देश के नेता भारत को जिस अमेरिका का दुमछल्ला बनाने के लिए दुबले हुए जाते हैं, उसी अमेरिका के थिंक टैंक फ्रीडम हाउस का कहना है कि भारत अब पहले से कम लोकतांत्रिक रह गया है। संस्था की रिपोर्ट कहती है कि भारत अब आज़ाद देश की कैटेगरी से हटकर आंशिक तौर पर आज़ाद देश की कैटेगरी में आ गया है। फ्रीडम हाउस का कहना है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश अधिनायकवाद में धंसता जा रहा है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ये आप खुद देख सकते हैं। आज जायज रिपोर्ट करने के लिए पत्रकारों को जेल में ठूंसा जा रहा है। विरोध में आवाज उठाने वालों को झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है। सरकार लगातार दमन और तानाशाही बढ़ाती जा रही है। मकसद सिर्फ एक है और वो है कि सत्ता हाथ से चली ना जाए। हाल ही में प्रसिद्ध न्यूज़ पोर्टल कारवा ने रिपोर्ट छापी है कि कैसे सरकार के 9 मंत्रियों ने मिलकर विरोध में लिखने वाले पत्रकारों और मीडिया समूहों को नियंत्रित करने की योजना तैयार की। इस मीटिंग में सुझाव दिया कि पत्रकारों की कलर कोडिंग की जाए और जो सरकार का समर्थन करने वाले हैं उन्हें बढ़ावा दिया जाए, जो विरोधी या आलोचक हैं उन्हें नियंत्रित किया जाए। सरकार की नज़र में पत्रकार दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। जो सत्ता का दलाल बनकर काम करे उस प्राणी को सकारात्मक यानी इन्फ्लुएंसर पत्रकार कहते हैं। जो सरकार की आलोचना करे, सवाल खड़े करे, यानी जो वास्तव में पत्रकारिता करे, उसे नकारात्मक एंटी नेशनल पत्रकार कहते हैं। खबरें आई हैं कि सरकार की ओर से सकारात्मकता के दलाल उपकृत किए जाएंगे और आलोचकों को चिन्हित करके उचित जवाब दिया जाएगा। जनता को बांटो, कलाकारों को बांटो, लेखकों को बांटो, छात्रों को बांटो, वकीलों, जजों, कानूनविदों को बांटो, मीडिया को बांटो, सबको बांटकर दो धड़ा बनाओ। जो पक्ष में है उसे उपकृत करो, जो विरोधी है उसे सजा दो, छापे डलवाओ, जेल भिजवाओ, ताकि सिर्फ समर्थक बचे, कोई विरोधी ना बचे। ऐसा खुला और खतरनाक खेल इससे पहले किस सरकार ने खेला था? आपसे कहा जा रहा है कि ये राष्ट्रवाद है। ये कौन सा राष्ट्रवाद है जिसमें कोई विरोधी नहीं होगा? भारत के वो कौन से नागरिक हैं जो ऐसी तानाशाही का सपना देख रहे हैं? इन खुलासों और इन तथ्यों के बावजूद सरकार की हरकतों पर गजब का सन्नाटा है जो हैरान करने वाला है। मेरे मन में बार बार ये सवाल उठता है कि क्या सच में भारत की जनता को लोकतंत्र नहीं बल्कि एक व्यक्ति या एक दल की तानाशाही चाहिए? मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और एक साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।